हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अस्सलामु अलैकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसलिए हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, मींस दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद वन बाय वन इंशाल्लाह हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर की सिंपल डेफिनेशन तो देखी होगी, हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। बट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करनी है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपको पता है जब भी हम सॉफ्टवेयर को डिवेलप करते हैं उसके हर फेज के साथ मीन्स दैट डॉक्यूमेंटेशन साथ में तैयार करते हैं। जैसे कि हम जब रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं तो साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं तो साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोड करते हैं तो साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंट, मीन्स दैट डॉक्यूमेंटेशन साथ में हमने वर्ड ऐड करना है जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मे बी डिवेल्प्ड फॉर अ पार्टिकुलर कस्टमर और मे बी डेवलप्ड फॉर अ जनरल मार्केट। इस चीज का आपको पता है कि सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए भी हो सकता है, लाइक किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए, हर यूनिवर्सिटी का क्योंकि अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो एक जनरल मार्केट के लिए भी हो सकता है, जैसे कि हमारी विंडो और फेसबुक, व्हाट्सएप एंड अदर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं है, ये जेनेरिक हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ये हमारा सिंपल सी सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। बेसिकली एट्रीब्यूट कहते हैं खसूसियात को, प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम क्या, एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है जी, हम गुड सॉफ्टवेयर के देखते हैं इसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कि गुड सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। गुड सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस टू द यूजर, मीन्स दैट जो गुड सॉफ्टवेयर होता है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, यानी कि रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी वो फंक्शनैलिटी होती है जो यूजर ने कहा हो कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज होनी चाहिए, तो वही फंक्शनैलिटी हमारा सॉफ्टवेयर अगर परफॉर्म करता हो तो उसको हम रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी कहते हैं। वो एक गुड सॉफ्टवेयर होता है, जाहिर की बात है वो अच्छा सॉफ्टवेयर होगा जो यूज़र ने बोला है, अगर हम वही बनाएंगे। एंड परफॉर्मेंस टू द यूज़र, और अकॉर्डिंग टू यूज़र वो परफॉर्मेंस भी दे रहा हो, परफॉर्म भी कर रहा हो। एंड शुड बी मेंटेनेबल, और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए। मेंटेन का मतलब है उसको हम इन्हांस कर सकें, कोई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करें, वो हार्ड नहीं होना चाहिए कि मीन्स दैट उसमें कोई इन्हांसमेंट ना कर सकें, कोई मॉडल हम ऐसा यूज करेंगे कि वो बाद में इन्हांस अगर यूजर करना चाहे, कस्टमर करना चाहे तो वो कर सके। उसके बाद डिपेंडेबल हम कह सकते हैं इसको, और रिलायबल भी कह सकते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर एक गुड एट्रीब्यूट होता है जो रिलायबल होता है। उसके बाद एंड यूजेबल, यूजेबल से यहां पे क्या मुराद है, यूजेबल से मुराद है कि वो यूज कर सके जो हमारा कस्टमर होता है, वो सॉफ्टवेयर यूज भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा तो उसका फायदा ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है यूजलेस होगा तो वो गुड सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है। ये कुछ एट्रीब्यूट से जो हमारे गुड सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये इस डेफिनेशन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। इससे मुराद ये है कि जितने भी कंसर्न होते हैं सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट करने के, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के, सॉफ्टवेयर को डिवेलप करने के, उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कस्टमर आता है उसको हम रिक्वायरमेंट उसकी इकट्ठी करते हैं, हम उसका डिजाइन करते हैं, हम कोडिंग परफॉर्म करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। मींस दैट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कहते हैं, कि ये सारे के सारे एस्पेक्ट हैं सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट करने के। जब कस्टमर आता है और रिक्वायरमेंट देता है, रिक्वायरमेंट देने के बाद सॉफ्टवेयर को डिवेलप होने तक जितना भी मरहला होता है इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। आगे हम मूव करते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो फंडामेंटल एक्टिविटी हैं जो कि हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होती हैं, वो बताएं। यहां पे हमने कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज यहां पे लिखी हुई हैं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पहले स्पेसिफिकेशन लेंगे तो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे ना, मींस दैट किस स्पेसिफिकेशन का सॉफ्टवेयर आपने बनवाना है, मींस दैट उसमें फंक्शनैलिटी कौन सी होनी चाहिए, इसको
हम कहते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी हम हर सॉफ्टवेयर में करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, वैलिडेशन कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कहते हैं। मीन्स दैट जब सॉफ्टवेयर हमारा कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसमें फिर टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग भी हमारी होती है, उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स डिफरेंट तरह की टेस्टिंग होती है, ये बाद में देखेंगे। एंड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहते हैं इन्हांसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, या किसी भी सॉफ्टवेयर को हम जब एक्सटेंड करते हैं, जब कोई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, तो ये भी एक क्या है हमारे पास फंडामेंटल एक्टिविटी है ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मोस्ट इंटरेस्टिंग, की चैलेंजेस क्या होते हैं कि डिफ़िकल्टीज कौन सी फेस करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो कॉपिंग विद इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी, मीन्स दैट डाइवर्सिटी की जगह पे आप चेंज भी लिख सकते हैं, कॉपिंग इन कॉपिंग विद इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, कि जब कस्टमर आता है कि बार बार वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को चेंज, फंक्शनैलिटी को चेंज करवाता है कि मेरे बटन को यहाँ से उठा के इस जगह पे सॉफ्टवेयर में ऐड कर दो, या इस जगह से हटा के ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दो। तो ये एक की चैलेंज होता है, मीन्स दैट एक डिफ़िकल्टी होती है, ये एक चैलेंज होता है डिवेलपर के लिए। ठीक है, कि उसको ठीक करना, और थोड़ा सा इरीटेट भी होता है, मीन्स दैट एक चैलेंज होता है, डिफ़िकल्टी होती है। डिमांड फॉर रिड्यूसिंग डिलीवरी टाइम, मीन्स दैट जब हमारे पास जो कस्टमर आता है उसका जो सॉफ्टवेयर डिवेलप होना होता है एक मंथ के अंदर, ठीक है, तो लेकिन वो कहे मुझे 15 दिन में कंप्लीट करके दो, तो ये भी एक चैलेंज होता है। और सॉफ्टवेयर को हम जितना टाइम देते हैं उसके अंदर, उस बाउंड्री के अंदर अंदर कंप्लीट करना, ये भी एक क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चैलेंज है जिसको हमने फेस करना होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो फेस करते हैं। एंड डिवेलपिंग ट्रस्टवर्थी सॉफ्टवेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडा है कि हमें ट्रस्टवर्थी सॉफ्टवेयर को डिवेलप करना। ट्रस्टवर्थी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मीन्स दैट अगर हम फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये नहीं है कि पेशेंट वहाँ मतलब कि बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है और हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद काम कर रहा है। मींस दैट जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो ट्रस्टवर्थी होने चाहिए, मींस दैट एग्जैक्ट एक शॉर्ट टाइम जितना हम मतलब कि कस्टमर ने कहा होता है उस टाइम के अंदर वो प्रोसेस कर ले। ये नहीं हो कि जब हमें ज़रूरत हो तो वो हम बैठे और सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉस्ट क्या होती है। रफली 60% ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट आर डिवेलपमेंट कॉस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60 जो टोटल जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसकी 60% जो कॉस्ट होती है वो डिवेलपमेंट कॉस्ट होती है, सॉफ्टवेयर को बनाने की कॉस्ट होती है। जो 40% कॉस्ट होती है वो टेस्टिंग पे सर्व हो जाती है, ठीक है, टेस्टिंग कॉस्ट होती है। तो अब अगर सॉफ्टवेयर को एवोल्यूट करवाना है या एवोल्यूशन करवानी है या इन्हांस करवाना है, तो उसकी कॉस्ट जो होती है कहता ऑफन एक्सीड डिवेलपमेंट कॉस्ट, कि वो डिवेलपमेंट कॉस्ट को भी एक्सीड कर जाती है जो हमारी एवोल्यूशन कॉस्ट होती है। मीन्स दैट अगर हम सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है उससे भी मोस्ट टाइम हमारी जो कॉस्ट होती है वो एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। होप्स हो कि गाइस आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस लेक्चर से। अगर आपने थोड़ा सा भी इस लेक्चर से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो लेके मैं आपके लिए हाज़िर होता रहूँगा। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।